नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं आईटी इंस्पेक्टर पद के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, जो जानकारी और भी कैंडिडेट के पास पहुंच सके। सबसे पहले तो बात यह है कि जो भी कैंडिडेट 7 तारीख को बीटीएससी में धरना प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो अपने घर से निकलकर वहां गए हैं और आपने जो प्रदर्शन किया है वो सफल रहा है। जो अपने घर से उठ के निकल के जाता है वो कहीं ना कहीं सफल होता है अपने काम में, तो उसका रिजल्ट भी आपने को उसी दिन शाम को देखने को भी मिला है। और आगे भी आप अगर इस भर्ती के लिए संघर्ष करोगे तो जल्दी से जल्दी आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जो रिमार्क्स वहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन जो देखने को मिला है रिमार्क्स के लिए कि उसमें अगर किसी भी कैंडिडेट का कुछ प्रॉब्लम है जहाँ उन्होंने रिमार्क्स मांगे थे उसके लिए वो काम अभी हो रहा है दोस्तों। और जो कैंडिडेट फर्जी दस्तावेज वाले हैं अब उनकी खैर नहीं है, इस पर भी बीटीएससी इंक्वायरी कर रहा है। वो खुश ना हो कि उन्होंने अपनी डीवी करवा ली है या करवा चुके हैं कुछ भी, कि अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बीटीएससी ने उनके लिए एक सख्त रुख अपनाते हुए कमेटी भी गठन की है कि जिन भी कैंडिडेट पर उनको शक है जहाँ कोई प्रॉब्लम है उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक किए जाएंगे और उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि अगर उनको कुछ भी उसमें फर्जी मिलता है तो उन पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले थे कैंडिडेट। जिन कैंडिडेट ने मेहनत की है उनको रोकने से कोई नहीं रोक सकता है, उनकी मेहनत में एक दिन वो कामयाब जरूर होंगे दोस्तों। और आगे बीटीएससी ने आश्वासन भी दिया है कि आपको कुछ ना कुछ दिवाली तक कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। इसका मतलब यही है कि हो सकता है दिवाली तक आपका जो रिजल्ट जारी करते हुए आपका जो ज्वाइनिंग हो जाए दोस्तों। और ये भी कोशिश की जा रही है कि डिप्लोमा डिग्री और आईटीआई की एक साथ में सिलेक्शन हो, डिप्लोमा डिग्री और आईटी वाले कैंडिडेट की एक साथ ही सिलेक्शन हो जाए, ये भी बीटीएससी की तरफ से कोशिश की जा रही है ताकि जो किसी प्रकार की बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो साथ में दोनों की सिलेक्शन हो जाए। अच्छी बात है, दोनों की साथ में सिलेक्शन हो जाएगी। तो जो लेटर जारी किया गया था बीटीएससी की तरफ से उसका जो संख्या है लेटर संख्या वो 2797 जो डेट है वो 7/10/2024 के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें रिमार्क्स में बताया गया है कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले हैं या कुछ भी जिनको उनको शक है उसका रिमार्क्स मांगे जा रहे हैं दोस्तों। दोबारा से फिर सेकेंड डीवी होने का 100% चांसेस है कि सेकंड डीवी दोबारा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने पहले भी तो एडवर्टाइजमेंट दिया था सेकंड डीवी के लिए और कुछ कारणों के साथ वो कैंसिल हो गया था। मैं बात करता हूँ हमेशा कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उनके बारे में दोस्तों। जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको जो कैंडिडेट बिल्कुल राइट हैं, ओके हैं, फर्जी नहीं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको ये जॉब जरूर मिलेगी। अगर आप नहीं कामयाब हो रहे हैं, दूसरे कुछ लोग हैं जो हाथ पैर मार के ऐसे ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना के या डीवी कराने में कामयाब हो रहे हैं या हो गए हैं, उनको जरूर इसका हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप जो है
आप पर वो भारी हो जाएंगे, भारी नहीं हो सकते आपको। देर से आता है फैसला, आता है दुरुस्त आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लग जाएगा पर फैसला जो होगा मेहनत करने वालों लोगों के हक में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा उनके हक में। बस यही बात मैं आपसे कहने के लिए ही ये वीडियो बना रहा था कि अगर जो आपने धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया है बीटीएससी के सामने वो सक्सेसफुल रहा है और आपका जो रिजल्ट है उसका अच्छा ही रिजल्ट आने की संभावना है और आपको मीटिंग के लिए भी उनको टाइम मिला था, बातचीत हुई है, सब कुछ वो अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है बीटीएससी की तरफ से कि आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों अगर एक साथ एक मंच पे इकट्ठा होकर हम सभी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट तो हमें मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आगे भी कुछ इस तरह प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने साथ वाले भाइयों को भी जरूर साथ लेके जाके वहाँ पर प्रदर्शन करो ताकि आप जल्दी उसमें सक्सेस हो सको और आपको जल्दी से जल्दी ये जॉब मिल सके। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।